नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे स्पेशल साइंस की जो हमारी क्लास चल रही है उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे हमारा 18वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं 17 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहां पर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर यहाँ पर जितने भी रेलवे स्पेशल साइंस के अंतर्गत जितने भी वीडियो आए हैं मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आई बटन पर क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे कंप्लीट प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप हमारे सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही प्रश्न है। इसके अंतर्गत मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न कवर किए हैं जो कि 2018 की ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ रेलवे द्वारा और 2015-16 की एनटीपीसी में पूछे गए। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छे समझिए, क्योंकि इसमें से ही प्रश्न रिपीट किए जाएंगे अगली आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आरआरबी जोन का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि आखिर में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे, 25 में से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आपको जरूर बताना है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आरआरबी जोन का नाम और कितने मार्क्स आए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वह प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्रकाशानुवर्ती संचलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है। आपको बताना है कि इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। किसमें आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई, आपको बताना है कि विद्युत मात्रा की इकाई इनमें से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है। आपको बताना है कि डेंगू बुखार होता है वह किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एडीज एजिप्टी। किसके द्वारा संचरित होता है, एडीज एजिप्टी के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली की तरह आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक लाइक जल्दी से ठोक दीजिए, और फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आपके जितने भी स्टडी के ग्रुप है उनमें हमारे वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नए आए मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के डेली मॉडल पेपर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार। आपको बताना है कि जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। आपको बताना है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो उस समय वायुमंडल में जो लालिमा छा जाती है उसका कारण क्या है। तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन। किस कारण से हो जाता है ऐसा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ईंधन तत्व नहीं है। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हीलियम। देखिए यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सभी ईंधन तत्व की श्रेणी में आते हैं, जबकि हीलियम नहीं आता है। तो इसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं वह अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर डी अल्जाइमर रोग। किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक, आपको बताना कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें इनमें से कौन से विमंदक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं। आपको बताना कि इनमें से किसमें कार्बन नहीं है। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से किसमें कार्बन नहीं है, देखिए हीरे में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कोयला है, तीनों कार्बन। देखिए हीरा और ग्रेफाइट तो कार्बन के अपर रूप होते हैं और तीनों में कार्बन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया था किसमें कार्बन नहीं है लेकिन तीनों में कार्बन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपको बताना कि लेजर एक युक्ति होती है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उद्दीप्त विकिरण। क्या उत्पन्न किया जाता है, उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। एक युक्ति होती है जिसके द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। आपको बताना है कि जो जब हम दूध को बहुत प्रबल ढंग से मथते हैं तो उसमें से जब क्रीम अलग हो जाता है तो उसका कारण क्या है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण दूध में से क्रीम अलग हो जाता है जब उसको प्रबल ढंग से मथा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो एक राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक अलॉय है। आपको बता रहे कि जो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर है वह किसका कौन किसका अलॉय है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉपर जिंक और निकेल। किसका अलॉय है? कॉपर जिंक और निकेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, भाई आपको बताना है कि अगर वो कोई थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त है तो वह है। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। किस क्या होता है वो? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर की श्रेणी में आता है अगर कोई थर्मामीटर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। आपको बताना है कि जो व्यक्ति वर्णांध होते हैं, जिनको रंगों की रंगों के लेवल पे अंधे होते हैं, उनको लाल रंग किस कलर का दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हरा। जो वर्णांध लोग होते हैं उनको लाल रंग हरा दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहद में मुख्यतः होता है, आपको बताएंगे शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आपको बताएंगे जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वह कितना होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। आपको बताना है कि एक जो वयस्क पुरुष होता है उसके लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml में कितनी होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 14.5 ग्राम। कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। कौन सा करता है मदद? विटामिन ए मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति, आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? आपको बताना कि प्लेग किससे फैलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जीवाणु। प्लेग जीवाणुओं से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है? आपको बताना कि क्वार्ट्ज होता है वो किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? आपको बताना जो गति प्रेरक होता है उसका संबंध किससे होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हृदय। किससे संबंधित है गति प्रेरक? हृदय से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजक अभिकर्मक क्या है? आपको बताना है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजक अभिकर्मक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्लोरीन। दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे स्पेशल साइंस की जो हमारी क्लास चल रही थी उसके अंतर्गत मैंने आज आपको 18वें नंबर का वीडियो बताया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 25 प्रश्न बताया। आपको बताना है कि कितने मार्क्स आए हैं आपको, 15 17 19 जितने भी मार्क्स आए हैं इस पेपर में बताइएगा, और अपने RRB जोन का नाम सभी लिखते हैं जिससे हमको यह पता पड़ जाएगा कि किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है, स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम नए आए उनसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।